बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अलीशान और आप देख रहे हैं अलीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से यूट्यूब पर वर्क करने का एक तरीका बताऊंगा, जिसकी मदद से आप बआसानी 50-60 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आप बआसानी 50-60 हज़ार रुपये महाना कमा सकते हैं यूट्यूब की मदद से। सिर्फ सिर्फ आपको इब्तदा में 3-4 माह मुसलसल मुस्तकिल मजाजी के साथ, कोई मुश्किल काम नहीं, इंतहाई आसान तरीक। अगर मैं कहूँ यूट्यूब पर हज़ारों टॉपिक्स हैं, हज़ारों टॉपिक्स में से जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे मुझे आसान टॉपिक और आसान तरीका और विद आउट इन्वेस्टमेंट काम करने का एक आसान तरीका है। तो अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको वन टू ऑल तमाम तरीका समझाऊँगा। इंशाल्लाह आप उसकी मदद से बआसानी चैनल क्रिएट करके अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करके उससे महाना अर्निंग कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर दोस्तों मैं जाता हूँ, वहाँ पे जाके लिखता हूँ आबिद राजा। मैंने आपको एक बताया था आबिद राजा के नाम से चैनल है। इस भाई की देखें वीडियोस इस वक्त जो है 3,354 वीडियोज़ ये भाई इस वक्त अपलोड कर चुके हैं। तकरीबन 3500 वीडियोज़ लगा लें, चले ज़्यादा नहीं तो 3500। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि ये भाई यूट्यूब के साथ साथ ऑनलाइन कुरान टीचिंग भी करते हैं। ये देखें यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ ये जितने पैसे यूट्यूब से कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा ये पैसे ऑनलाइन टीचिंग से भी कमा रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि इनकी वीडियोस हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक पहुँचती हैं। तो जारी बात है, कोई ना कोई बंदा यहाँ पे आके इनको चेक करता होगा ना कि ये बंदा काम क्या करता है। तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर लिखा हुआ फॉर ऑनलाइन क्लासेस आबिद राजा, साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं। तो इंतहाई आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इनका काम क्या है कि इन्होंने, मैं सबसे पहले आपको इनकी मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा वीडियोस पर व्यूज़ आए हैं, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ से चेक करते हैं। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें 1.3 मिलियन व्यूज़ इनके दुआए कनूत पर हैं। देखें, हम सोचते हैं यार दुआए कनूत तो हर बंदे को आती है, तरावी की दुआ तो हर बंदे को आती है, तशहुद तो हर बंदे को आती है, सूरह काफिरून तो हर बंदे को आती है। हर बंदे को भाई नहीं आती, अगर आती होती तो 13 लाख बंदा दुआए कनूत ना सुनता। फिर इन्होंने यहाँ पे दोबारा फिर दुआए कनूत अपलोड किया, इसको 12 लाख बंदे ने देखा। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने फिर दुआए कनूत अपलोड किया, 12 लाख बंदे ने इस वीडियो को देखा। फिर उसके बाद दुआए तरावी अपलोड किए, 7,88,000 इस वीडियो पर व्यूज़ हैं। ये मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए। इन भाई का काम क्या है, इन्होंने गूगल से पिक्चरें उठानी होती हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर चला के स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होती हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद सबसे मज़े की बात यह है कि देखिए, हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसका थंबनेल बनाना पड़ता है, उस पर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस भाई ने ये देखें, इसको थंबनेल बोलते हैं, ये मेरी वीडियो है ना, कोरल ड्रा में कम वक्त में ज़्यादा पैसा काम किससे किया जा सकता है, ये थंबनेल है। ये थंबनेल हर बंदा लगाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक थंबनेल लग जाता है। मतलब इंतहाई आसान तरीन काम है। तो इस भाई की मैंने आपको चैनल दिखा दिया, ये बंदा मंथली 50-60 हज़ार रुपये आसानी कमा रहा है। इस बंदे से मैंने लाइव में भी कॉल पे बात की है, और वैसे व्हाट्सअप पर भी मैंने इससे पूछा है। तो इस भाई ने कहा था मेरी मंथली 50 हज़ार रुपये तो ईजिली मुझे यूट्यूब से आ जाते हैं। इस भाई का काम क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से अपलोड करते हैं वीडियो, किस तरीके से काम करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही मुकम्मल चीज़ समझाने वाला हूँ। क्या करते हैं, ये गूगल पे जाते हैं, जाकर लिख देते हैं, फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ इस्लामिक दुआएं लिख देता हूँ। देखें, कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है, आपको जो चीज़ गूगल से अच्छी लगे आपने वो उठा लेनी। इमेज पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास दुआएं आ जाती हैं इस्लामिक। ये एक दुआ है, गुनाहों से मुआफ़ी की मुख्तसर दुआ, ठीक है। या फिर यह एक ये दुआ मुझे नज़र आ रही है, तकलीफ़ के वक्त क्या पढ़ें, एक दुआ बताइए सिंपल। इसको कॉपी करते हैं, ये भाई क्या करते हैं, कॉपी करके कोलड्रा में लेकर जाते हैं, कोलड्रा में लेकर यहाँ के पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये देखें मेरे पास दुआ आ गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नीचे किसी साथी का लोगो लगा हुआ, फेसबुक आईडी लगी है, यहाँ पर ये कहते हैं साथी आके यहाँ पर इस पिक टूल को इस्तेमाल करके इसको कट कर देते हैं। यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद इसको ले जाते हैं भाई डेस्कटॉप पे। ये देखें मेरे पास डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव है। इस भाई ने क्या करना होता है,
देखें, सबसे पहले इसने भाई ने ये तस्वीर ओपन कर ली, इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। बात को अब समझना है ये भाई करता क्या है। अगर आपने ये काम मोबाइल पे करना है तो मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर है DU स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ से आसानी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आपने लैपटॉप पर स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो मेरे पास ये जिससे आप वीडियो बन रहे हैं ये है FreeCam 8। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से बआसानी हम अपनी वीडियो मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वक्त ये जो वीडियो बन रही है ये मैं इसी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है, तस्वीर को जनाबे वाला कर लिया इन्होंने, डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया, एडिट भी कर लिया। उसके बाद इन्हों के पास एक ऐसे करके, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे कोरलड्रॉ में इन्होंने ये एक बनाया हुआ है, सब्सक्राइब हाफिज भाई, लाइक कमेंट्स शेयर और बेल आइकॉन। ये क्या करते हैं ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी हर वीडियो के ऊपर देखें, यहाँ पे देखें नीचे लगा होता है सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ये किस तरीके से करते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ़र्ज किया इसको राइट क्लिक करके ओपन विद पे आते हैं और इसको पेंट के थ्रू ओपन कर लेते हैं। जैसे ही पेंट के थ्रू ओपन करते हैं मेरे सामने ये चीज़ आ जाती है। ये क्या करते हैं, इसको यहाँ से छोटा करते हैं, छोटा किया, यहाँ से इसको छोटी स्क्रीन किया और इसको उठाकर यहाँ पे ले जाते हैं। ये एक जुगाड़ी तरीका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उन्होंने तस्वीर अपलोड की, ओपन की, और दोबारा यहाँ से पेंट को फिर ओपन कर लिया। ये देखें मेरे पास वो ओपन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम समझने वाले, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त अपनी फुल स्क्रीन यहाँ पे तस्वीर को रख के रिकॉर्ड करूँगा तो मेरी वीडियो कोई बंदा नहीं देखेगा। उसकी वजह यह है कि जब उसने वीडियो ओपन करनी है, ओपन करते ही जब हमने उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ हाफिज़ अली शान और आप देख रहे हैं फलां चैनल, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इतनी बार जब हमने करनी उसने तो ये उतनी देर में ये तमाम चीज़ें पढ़ चुका होगा। ये भाई क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। ये जो माउस है माउस की मदद से मैं जूम कर रहा हूँ, जूम किया और यहाँ पे देखें अब क्या है कि ये इतनी चीज़ मैं जब रख के रिकॉर्ड करूँगा ना तो अगले बंदे के दिल में थोड़ी सी कशिश रहेगी यार, पता नहीं कौन सी दुआ है। अगर मैं उसके सामने ऐसी खुली छोड़ दूंगा तो यार वो तो बंदा देख लेगा ये दुआ है बस, देख कर चला जाएगा, हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं देखेगा। लेकिन हम जूम करके जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो थोड़ा सा हमारा मोहताज रहेगा, वो बंदा थोड़ा सा मजबूर हो जाएगा हमारी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। हम उतनी देर में अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देंगे, उसको बोल भी देंगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इस भाई ने रख लेना होता है अपना चीज़ और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी होती है। मैं इस तरह की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू आपसे वीडियो बनाने से पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, आपने फिर उसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ अपलोड किस तरीके से करती हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लगाते हैं और किस तरह अपलोड करते हैं वगैरह वगैरह, किस तरह थंबनेल लगाते हैं। ओपन पर जाके मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ भाई चैनल की तरफ से मैं आज आपको तकलीफ़ के वक्त क्या पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ साबित है वो मैं आज आपको पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हाफिज़ भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उम्मीद है आपने थोड़ी सी वीडियो देख ली होगी। बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा मेरा अच्छे तरीके से देखनी है तो आपने YouTube पे जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है हाफिज़ भाई। इस तरह से मैंने 100% चैनल बनाया हुआ है, मुझे इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, मुझे ये तरीका बहुत आसान लगा, तो इसी तरह से मैंने हाफिज़ भाई के नाम से चैनल बनाया है। तो इस पर तकरीबन मैं 110 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस चैनल पर काम नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा इरादा है इस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करूँगा, इंशाल्लाह इस चैनल से मैं भी 40 या 50 हज़ार रुपये यार मंथली कमाया करूँगा इंशाल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से। अच्छा, वीडियो को हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वीडियो पे सेव है। ये भाई क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जाते हैं यूट्यूब पे, इनका चैनल ऑलरेडी क्रिएट है। आपने भी क्या करना है, अगर आपने चैनल नहीं बनाया तो आप यूट्यूब पर जाए, हाउ वी कैन क्रिएट यूट्यूब चैनल, आसानी से आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा किस तरह चैनल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कैमरे पर आते हैं, अपलोड वीडियो पर आते हैं,
अपलोड वीडियो करने के बाद ये मुझे ले जाएगा मेरे कंप्यूटर में, अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं आपको मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ से वीडियो तलाश करनी, ये पूछ रहा है सेलेक्ट फाइल, मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वीडियो पे जाता हूँ, और तकलीफ़ के वक्त ये जो दुआ मैंने रिकॉर्ड की थी जिसे स्क्रीन रिकॉर्डर कहा जाता है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब देखिए यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गई, ठीक है। ये टाइटल और पूछ रहा है टाइटल क्या है, टाइटल मैं लिख लेता हूँ तकलीफ़ के वक्त की दुआ, TAKLEEF, तकलीफ के वक्त की दुआ। बहुत आसान काम है, इससे आसान काम मुझे आज तक नहीं मिला। इसके अलावा मैं लिखता हूँ बेस्ट दुआ, आगे लिख देता हूँ बेस्ट इस्लामिक दुआ, ठीक है। इस तरह मैं दो पांच छह मुख्तलिफ नाम लिख देता हूँ, 100 लफ्ज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने थे, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, यूट्यूब कहता है कि आपने वीडियो में जो बातें बताई हैं वो हमें थोड़ी सी कहानी में बता दो, ताकि कोई बंदा सर्च करे तो हम आपकी वीडियो आगे ले आए, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख देते हैं, तकलीफ़ के वक्त की दुआ यहाँ पर फिर लिख देते हैं, तकलीफ़ के वक्त की दुआ फिर, ठीक है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ बेस्ट इस्लामिक दुआ वगैरह वगैरह, YouTube को थोड़ा सा पता चल जाएगा ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ से पकड़ के, यहाँ पे वो पूछ रहा है कस्टम थंबनेल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और पहला ये देखें मैंने थंबनेल यहाँ पे क्लिक कर दिया, यही थंबनेल मेरा लग गया। अब कोई बंदा YouTube पे जब सर्च करेगा तो तकलीफ़ के वक्त क्या पढ़ें, ये चीज़ मेरे उसके बंदे के सामने शो होगी, ठीक है। उसके बाद आगे उनके एक पॉलिसी है, वो पूछ रहे हैं आपने ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई है बड़ों के लिए, मैं कहता हूँ नहीं मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाई, बड़ों के लिए बनाई है, तो मैं 9 पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और वो पूछ रहे हैं आप प्राइवेट पब्लिक करना चाहते हैं या प्राइवेट, तो मैं कहूँगा पब्लिक करना चाहता हूँ, पब्लिक पे क्लिक करूँगा और पब्लिश कर दूँगा, तो मेरी ये वीडियो तमाम लोगों के सामने चले जाएगी, जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे या जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते होंगे उनके सामने फ़ौरन चले जाएगी। ये देखिए वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपने क्या करना है, रोज़ाना की बुनियाद पर 10-15-20 वीडियोज़ इस तरह की दुआएँ उठाएँ उठाकर अपलोड करते रहें, 2 या 3 माह मुस्तकिल मजाजी के साथ मेहनत कर ले, मैं आपको वारंटी देता हूँ आपका चैनल मोनेटाइज होगा, मैं आपको वारंटी देता हूँ आपको यूट्यूब से अर्निंग आएगी, मैं आपको वारंटी देता हूँ आप एक बार रोजगार बन जाएंगे। दोस्तों अगर ये बंदा कर सकते हैं ना, ये देखें इस बंदे की आप आबिद राजा को देखें, कोई ऊपर से नहीं आए, ये भी आपकी तरह एक दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, कोई हमारे इनके साथ लागतबाजी नहीं है। इस तरह के जिस तरह का इन्होंने चैनल बनाया हुआ, इस तरह के हज़ारों यूट्यूब पर चैनल हैं, कोई मसला नहीं है, जहाँ पर इतने लोग खा रहे हैं तो आप भी खा लेंगे, यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस टॉपिक पर काम करें, इंशाल्लाह आप 2-3 माह में महाना 40-50 हज़ार रुपये अर्निंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।